हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकास टेक्निकल आइडियाज़। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलईडी बल्ब के जो मेन फॉल्ट आ रहा है, काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, उसके सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, और वीडियो को आप पूरा देखिए, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट निकला है काफ़ी टेस्टिंग के बाद। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों देखिए, हमने एक RR कंपनी का एलईडी बल्ब लिया है, जिसमें जो प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें एलईडी एक ख़राब हो चुकी है। देखिए, ब्लैक ब्लैक सर्कल सा दिख रहा है इस पर। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसको शॉर्ट करते हैं तो ये कुछ ही दिन में ख़राब हो जाएगी। हम क्या करते हैं दोस्तों, ये तो फिर पीसीबी, इसकी MG PCB नहीं डाल देंगे, फिर शॉर्ट कर देंगे, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर आ जाएगा। हम ये भी जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि क्यों ख़राब हो रही है। अगर हम ये जान ले तो अगर हम चलाना चाहेंगे एलईडी शॉर्ट करके भी, बहुत अच्छा रिजल्ट निकल रहा है, काफ़ी टाइम चल रही है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो नहीं पता लग पा रहा है कि क्यों हो रही है। क्योंकि हम ऊपर से हम खोलने को सोचते ही नहीं हैं, हम ऊपर से ही ऊपर काम कर देते हैं 2 मिनट में। तो मेन जो रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप, सबसे पहले वोल्ट हम चेक कर रहे हैं, वोल्ट जो आ रहे हैं इसके, देखिए फ्लैक्चुएशन हो रही है वोल्ट में, कभी कम कभी ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर थोड़े कम होते, 5 या 4 पॉइंट होते तो हो जाता, लेकिन कभी 100 हो रहे हैं, कभी 50 हो रहे हैं, कभी 24 हो रहे हैं, तो ये कोई ना कोई मेन प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम चेक कर लेते हैं, और चलने को चल जाएगा ये, क्योंकि वोल्ट कम ज़्यादा हो रहे हैं तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम जो आएगी, कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद बताएंगे कि इसमें क्या चेक करना है, और चेक करते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूं, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, मेन प्रॉब्लम क्या है इसमें, कैपेसिटर इसका फुला हुआ है, आप देख सकते हैं, अलग ही दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम जो इसमें कैपेसिटर चेंज करेंगे, तो पहले मैं आपको एक कैपेसिटर दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो को देखें, नया कैपेसिटर हमारे पास है, तो देखिए कितना फ़र्क दिख रहा है, तो काफ़ी फ़र्क दिख रहा है, फुला हुआ है, अलग ही दिख रहा है ये। ठीक है दोस्तों, तो 100 वोल्ट 100 UF का ये कैपेसिटर है, तो इसमें हम सेम ही वैल्यू का कैपेसिटर लगाएंगे। अगर इसमें होता 68 UF 100 वोल्ट का कैपेसिटर, ये कोई भी वोल्ट का, तो हम इसमें सेम ही लगाते दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें सेम ही लगा रहे हैं। ठीक है जी, तो इसे हम लगा देते हैं, इसके बाद हम चेक करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं इसकी सोल्डरिंग सेटिंग कर देते हैं थोड़ा सा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लेट आ रही है, क्योंकि आपको पता है कोरोना टाइम चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो जैसे ही नॉर्मल होगा तो वीडियो फिर दोबारा से टाइम पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। बस आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है जी, वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको प्रॉपर जानकारी समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि कोई भी अगर फॉल्ट आता है पीसीबी में, तो ध्यान रखिए, सबसे पहले नीचे चेक कीजिएगा कि भाई क्या प्रॉब्लम आई है, क्यों ये ख़राब हुआ है। अदरवाइज हम ऐसा कर देते हैं, या तो एलईडी शॉर्ट कर देते हैं, फिर पीसीबी दोबारा बदल दी, तो फिर वही फॉल्ट दोबारा फिर आ जाएगा, क्योंकि पहले ही सर्किट डैमेज हो चुका है। अगर सर्किट में प्रॉब्लम आई है, तभी तो इसकी मेन पीसीबी ख़राब हुई है, अदरवाइज ऐसे ख़राब नहीं होती। तो दोस्तों हमने सर्किट की प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व कर दी है। ठीक है जी, तो अभी हम जो बी पीसीबी लगाएंगे, सेम ही रखेंगे, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकलेगा इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने देखिए प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस लगाया है, आप भी ध्यान जरूर रखिएगा, अदरवाइज कैपेसिटर तुरंत ही ख़राब हो जाता है। ठीक है जी, तो हमने स्टार्टिंग में प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस चेक कर लिया है, और जैसे कि हम सोल्डरिंग करते हैं, उसको साफ़ ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास पेट्रोल का ब्रश है तो उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो साफ़ आप कर सकते हैं ब्रश वगैरह मार के।
तो एक बार दोबारा से देख लीजिए कहीं पे कोई टच तो नहीं हुआ है। तो दोस्तों अभी हम इसको फिटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने स्टार्टिंग में आपको वोल्ट दिखाए थे कि कितने आ रहे थे, और अभी हमने देखे बिल्कुल फिट कर दिया। अभी दिखा देता हूँ कितने वोल्ट आ रहे हैं और कितनी फ्लैक्चुएशन हो रही है। फ्लैक्चुएशन कभी लाइट लाइट से लाइट की वजह से भी कर देता है, लेकिन इतनी नहीं करता जितनी इसमें दिखा रहा था, कभी अप कभी डाउन। तो देखिए कितनी दिखाएगा ये, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए दोस्तों जो फ्लक्चुएशन कर रहा है, एक या दो या तीन पॉइंट तक कर रहा है बस, ठीक है। अदरवाइज पहले जो कर रहा था, आप स्टार्टिंग में वीडियो चला के देखिए कितना फ्लक्चुएशन कर रहा था, अब बिल्कुल कंप्लीट बिल्कुल ये ठीक हो चुका है, ठीक है। प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस करने से प्रॉपर वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है, जितने इस सर्किट को दिखाने चाहिए। और दोस्तों ये नहीं कि हम आपको कोई गलत जानकारी दे रहे हैं, ये हम सबसे पहले वीडियो बनाते हैं, उसके बाद ये फॉर्मूला भी पहले यूज करते हैं, ठीक है, उसके बाद ही वीडियो बनाते हैं, ठीक है, और अपने घर पे फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा यूजफुल फॉर्मूला है ये, ठीक है। आप ऐसे ही कीजिएगा, जो कैपेसिटर सेम वैल्यू का है सेम ही वैल्यू का लगाइए, कोई भी जितनी वैल्यू का वहाँ पे लगाया है, 68 का या फिर 100 का, तो सेम लगाइए, देखिए प्रॉपर रोशनी देगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। और फॉर्मूला बिल्कुल सक्सेसफुल है, इसमें अगर आप गारंटी देना चाहते हैं तो गारंटी का सेम ही प्रोडक्ट हो जाएगा, गारंटी भी आप दे सकते हैं जितना भी आपको अच्छा लगे उसी अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। ओके मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।